दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक से ज्यादा जो है डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, या बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स के मन में सवाल भी आता है कि क्या हम एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हम एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके फायदे क्या है। तो होता क्या है कि जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करने के बाद उसमें अलग अलग सेगमेंट होती है, जैसे कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, डिलीवरी पे स्टॉक लेते हैं, इंट्राडे स्टॉक लेते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अगर मल्टीपल मतलब डीमैट अकाउंट है तो हमको इस तरह से हमारे अकाउंट को मैनेज करने के अंदर आसानी जाती है। मतलब कैसा कि अगर आप एक अकाउंट के साथ में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और दूसरे अकाउंट के अंदर आप चाहते हैं कि भाई मैं कुछ स्टॉक डिलीवरी के ऊपर ले हूं, तो वो स्टॉक आप उसमें डिलीवरी में लेकर उस दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर आप रख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपको एक ही अकाउंट के अंदर अगर आप ये सारी चीजें करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो, डिलीवरी के ऊपर स्टॉक बाई भी करते हो, साथ ही साथ में आप इंट्राडे भी करते हो, तो उसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा आपसे गलती से हो सकता है कि आप डिलीवरी स्टॉक को सेल कर दो, या फिर जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के अंदर आपको अकाउंट मेंटेन करने के अंदर इश्यू प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि कुछ जो ब्रोकर होते हैं तो वहां पर डिलीवरी के अंदर मतलब जो स्टॉक बाय करने के अंदर हमको आसानी भी होती है, उनके चार्जेस भी कम होते हैं। और कुछ जो ब्रोकर होते हैं कि वहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आसानी होती है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आसानी मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के वो चार्जेस कम लेते हैं और अच्छी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग वहां पे हम कर सकते हैं, किसी तरह की हमको दिक्कत नहीं आती है। मतलब हर ब्रोकर के पास में कुछ ना कुछ अलग अलग से फीचर्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हो, आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग भी करते हो, तो इसके लिए आपके पास में एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो इससे होगा क्या कि आप एक डीमैट अकाउंट के अंदर एक ब्रोकर के साथ में आप इससे होगा क्या कि आप एक ब्रोकर के साथ में मतलब एक डीमैट अकाउंट के अंदर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टॉक बाय करके होल्ड कर सकते हो। एक ब्रोकर के साथ में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, एक ब्रोकर के साथ में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इससे क्या रहेगा कि आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का रिकॉर्ड, उसके साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग का रिकॉर्ड, प्लस आपका जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग है उसका रिकॉर्ड आप अलग से बराबर प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हो। तो ये उसका सबसे बड़ा फायदा होता है। और साथ ही साथ में हर ब्रोकर के पास में जो चार्जेस होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के, उसके साथ ही साथ में इन्वेस्टिंग के, डिलीवरी के, उसी के साथ साथ के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के, सब अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो उस तरह से भी आप चाहे तो अलग अलग ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये एक उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं कि भाई इसका नुकसान क्या है। तो सबसे पहला इसका जो नुकसान है दोस्तों वो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। आपको सबसे पहले अकाउंट ओपन करते वक्त ये आपको बात ध्यान में रखना है कि भाई जिस ब्रोकर के पास में हम अकाउंट ओपन करने वाले हैं तो उसका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, क्या लाइफ टाइम फ्री है, क्या अकाउंट ओपन करते वक्त वो हमसे कोई चार्जेस ले रहा है। जनरली बहुत सारे ब्रोकर ऐसे होते हैं कि वो अकाउंट ओपन करते वक्त हमसे चार्जेस नहीं लेते हैं और एक साल तक के हमें कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लगाते, लेकिन एक साल के बाद में अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस वो हमको लगाना शुरू कर देते हैं। ये 250-300 रुपए से लेके 350 रुपए तक हो सकता है, प्लस 18% जीएसटी भी होता है। तो ये है उसका सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं नुकसान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम क्या करते हैं कि अकाउंट ओपन करते जाते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करते करते जाते हैं, हम 4 से 5 डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें ट्रेडिंग वगैरह हम इन्वेस्टिंग वगैरह कुछ करते नहीं है, लेकिन होता क्या है बाद में कि उसके अंदर हमको एनुअली मेंटेन चार्जेस जो है वो तो लगना शुरू रहता है, चाहे आप उसमें ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, करो करो नहीं करो, लेकिन उसके अंदर आपको जो चार्जेस है वो पे करना ही पड़ता है। और तीसरी बात ये होती है कि फिर आप सोचते कि चलो भाई अकाउंट मेंटेन चार्ज पे करना पड़ रहा है तो क्या मैं इस अकाउंट को क्लोज कर दूं। तो जब आप उस अकाउंट डीमेट अकाउंट को क्लोज करने जाते हैं तो आपका जो डीमेट अकाउंट है वो इजीली क्लोज नहीं होता है। आप अगर किसी ब्रोकर को बोलेंगे कि भाई मुझे अकाउंट ओपन करना है तो आपका काम 5 मिनट में हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के अंदर वो बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं, फास्ट आपकी
हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देते हैं। लेकिन जब आप बात करोगे भाई हमें आपके पास में अकाउंट को क्लोज करना है, तो आप समझ जाइए कि आपका अकाउंट जो है वो जल्दी क्लोज होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कर